अपने तीन दोस्तों के साथ रविवार को दमदमा झील में नहाने पहुंचे। 16 वर्षीय मोहित की झील में डूबने से मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि मोहित के दोस्त लगातार 3 दिनों से सोहना भोटसी थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने सीमा विवाद को ज्यादा अहमियत दी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 3 दिन बाद सोहना सदर पुलिस को सूचना देने के बाद शव को मंगलवार की सुबह बरामद किया गया। परिजनों का आरोप है कि मोहित के डूबने के बाद उसके दोस्तों ने उन्हें घर पर कोई इत्तला नहीं दी थी। तीनों ही दोस्त 18 से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। इस मामले में गांव दमदमा के युवाओं ने पुलिस की मदद की। वे उन्हीं की मदद से पुलिस ने शवों को मंगलवार की सुबह बरामद किया। पुलिस मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। था पूरा ये कैसे मरा, क्या बात है जी? मामला ऐसा था कि जी मेरे भाई और एक लड़का और था, और वो मोहित नाम का लड़का जी, ये गए दमदमा झील नहाने के लिए। इनने ड्रिंक कर रखी थी, ये वहाँ जाके नहाए, वहाँ जाके नहा के बाहर आ गए ये दो लड़के। वो मोहित नाम का लड़का बाहर आ गया था, ये दोबारा जाके कूद पड़ा, वो वापिस आए। फिर जी ये मेरे पास, ये रात के 10 बजे आए हमारे पास, तो हम सर पहले इमारती गुंज गए थाने में, उनने बोला मैं वहाँ जाऊँ सोनू सदर थाने में, उसके बारे में पता थी। फिर हम आए सोना बस स्टैंड वाले थाने में, तो यहाँ के कंप्लेंट वहाँ भी नहीं लिखी। फिर हमें कल सुबह यहाँ लेके आए इन्हें सीधा, तो यहाँ इन्होंने अपनी बताई सारी कार्रवाई, और पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितने थानों में घूमे थे आप अभी तक? सर 2 थाने में तक कर ली थी, और 112 रुपए बीटी भी मारी थी। तो ये निकली आज रविवार का मामला था ये? हाँ जी। मोहित जी इसको सुबह 17 तारीख को सुबह ये ले गए थे बच्चे यहाँ से, घर से, मेरे घर से जी। चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीने थी बच्चे, वो सिर्फ बेड पे सोया हुआ था। मैं पूछा अंकल कहाँ पे आया, मैंने कहा बेटा बेड पे सो रहा है, अभी उठा नहीं है जी। उठा के ले गए और ले जाके मुझे ये कहा गया कि मेरा अंकल और टेम्पो जो है इसका, बच्चे का डीजे का काम है जी। अपने घर में डीजे का काम है इसका जी। जो लेके गया और मेरे को बताया कि अंकल मेरा टेम्पू खराब है, हम सोना तक जाके अभी 1-2 घंटे में आ जाएंगे वापस। तो आपको कब बताया कि आपका बच्चा डूब गया है वहाँ पर? हमारे को अगले दिन 12 और 1 बजे के बीच में पुलिस वालों का फोन आया यहाँ से सोना थाने से, और उन्होंने मुझे बताया कि आप इसी तरह यहाँ पे आ जाइए जल्दी से जल्दी, और आपके मोहित बेटे के बारे में ये खबर दी रहे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने ये बताया कि उसका पैर फिसल गया है, वो डूब गया है। तो आपको क्या कोई शक है इसमें? इसमें जी मुझे दोनों बच्चों पे, जो दोनों बच्चे पुलिस वालों ने पकड़ रखे हैं, उन दोनों बच्चों पे शक है। मेरा बच्चा तैरना नहीं जानता था साहब, तैरना नहीं जानता था, मेरा 16 साल का बच्चा था, तैरना नहीं जानता था, कोई भी काम होता था पहले मेरे को कहता था पिताजी आप डाल दीजिए ये चीज पानी में, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पानी से डरता हूँ। और इन दोनों बच्चों ने कोई भी गलत करी है मेरे बच्चे के साथ, चाहे उसमें कुछ भी शामिल हो। आपको शव कब मिला है इसका, नहर से? देखिए वो चीज तो सारी अब तफ्तीश जो होगी पोस्टमार्टम उसमें पता लगेगा, पर मुझे पूरा पूरा शक है इन दोनों बच्चों पे। ये इसके फ्रेंड आए थे घर पे सुबह इसको लेने के लिए, सौरभ घर से लेके गया था, कह रहा था कि आंटी मैं अभी 1-2 घंटे में छोड़ जाऊंगा, ये लेके चला गया सोना, उसको जी। सोना गए ये लोग वहाँ पे जाके, इन्होंने पता नहीं क्या गाड़ी सर्विस करानी थी क्या कराना था, वहाँ से दमदमा ले गए इसको। वहाँ से दमदमा ले जाने के बाद इन्होंने क्या ड्रिंक वगैरह करी है नहीं करी नहीं मालूम, वहाँ नहाने गए थे ये दमदमा झील पे, एक बार 2 बार नहा के निकले हैं, वो मोहित डूब गया, ये दोनों रह गए बाहर, ये उसको छोड़ के भाग गया है वहाँ से। शाम को रात को कॉलोनी में घूमे हैं ये दोनों, वहाँ पे मारुति कुंज में, वहाँ पे घूमने के बाद 3 बजे यहाँ आए हैं। तो आपको खबर किसने दी? आपको मेरे को कितने दिन बाद खबर दी आपको इसी? मेरे को नेक्स्ट डे 12:30 बजे इसका सलमान का फोन आता है मेरे पास जी, कि मोहित डूब गया जल्दी से आ जाओ सदर थाने में, बुला रहे हैं सच्चा साहब। तो इसमें पहले कोई पुलिस को खबर की है इससे पहले, कुछ पता चला इसमें? नहीं कोई खबर नहीं। तो आपको करीब जो आपका बेटे का शव करीब कितने बजे निकला है इसमें से, झील में से? हाँ सुबह निकला है 7-7:30 बजे। जो बेटा क्या करता था आपका ये? मेरा बेटा कुछ नहीं करता था, घर पे ही रहता था, पढ़ाई करता था। हाँ। वैसे आपको इसमें कोई शक है या कोई ऐसी बात है कि आपको कुछ लगता है कि शक है कि हो सकता है इन्होंने धक्का मारा हो, गला घोटा हो, क्या कर रहा है पता नहीं, नहीं पता मेरे को कुछ भी, इतना शक है।